कानून का राज हर हाल में होना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार को बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान की फिल्म जवान का ट्रेलर दिखाया गया। यहाँ एक बड़ा इवेंट भी होस्ट किया गया। शाहरुख खान ने एक के बाद एक डायलॉग भी बोले। पठान का ट्रेलर भी बुर्ज खलीफा पर चला था। इससे पहले भी शाहरुख खान को कई बार बुर्ज खलीफा पर किसी न किसी बहाने से दिखाया जा चुका है। चूंकि शाहरुख खान दुबई के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, ऐसे में बुर्ज खलीफा पर दिखना उनके लिए आम बात है। ट्रेलर के आने के बाद से ही लोगों में इसकी एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है और लोग इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जवान की एडवांस बुकिंग कई आंकड़ों को पार कर रही है और कई बड़े कोड भी बना रही है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म जवान पर अब रिएक्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इसी बीच बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह से फिल्म जवान को लोगों का प्यार और क्रेज देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि आज तक ऐसा किसी भी मूवी को लेकर नहीं देखा गया। फिल्म पठान में शाहरुख खान के एक एक्शन अवतार को देखने को मिला था। वही बॉयकॉट गैंग ने दीपिका पादुकोण की बिकनी को लेकर सवाल उठाया था। हालांकि अब एक बार फिर से बॉयकॉट गैंग फिल्म जवान को रोकने की कोशिश कर रही है और लगातार इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रही है। जबकि मैं तमाम बॉयकॉट गैंग को बता देना चाहता हूं कि वो ऐसा बिल्कुल भी न करे, क्योंकि जवान में कोई भी ऐसा एक्शन सीन या डिसपॉइंट सीन नहीं दिखाया गया है जिससे कि किसी की भावनाओं को आहत हो या किसी को उससे परेशानी हो। खाली आप किसी के नाम को लेकर टारगेट नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी की मूवी को बैन करा सकते हैं। फिल्म को लेकर विरोध करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी और उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत की शान शाहरुख खान अपनी जबरदस्त कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में दान करते हैं, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से फिल्म जवान का समर्थन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बॉयकॉट गैंग की लताड़ लगाई है। बहरहाल दोस्तों, आप योगी आदित्यनाथ की इस महानता को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ताजातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।